प्रिय साधक, आप लोग साधना करते हैं और साधना का क्या नियम है, क्या सिस्टम है, यह सब जानते हुए भी अनजाने में कुछ तो आप कर रहे हैं जिसके वजह से आपका शरीर नियंत्रण में नहीं रहता या आपका दिमाग सही से काम नहीं करता। कुछ भी हो सकता है, इसका कारण यह हो सकता है। इस वीडियो में आपको शरीर को नियंत्रण कैसे करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। इस शरीर को कैसे नियंत्रण करना है इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि किसी को हमारी बातें पसंद नहीं आता है तो वीडियो छोड़ करके जा सकते हैं, और जिनको एक सच्चे साधक बनना है वह हमारे वीडियो पर डटे रहे। एक साधक का कर्तव्य होता है कि अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखे। सबसे पहला नियम अपने शरीर पर ही आता है। हम और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम दूसरे को स्वस्थ कर पाएंगे। हम और हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम दूसरे को कैसे स्वस्थ कर पाएंगे? तो सबसे पहले हम ज़्यादा समय तक स्वस्थ रहे और अकारण ही हमें कुछ ना हो, इसके लिए हमें जो भी नियम अपनाने चाहिए वह सभी अपनाना है। तो सबसे पहले आपको खाने पर ध्यान देना है। बहुत से लोग दिन भर खाते ही रहते हैं और खाना उसको खाते हैं या खाना को वह व्यक्ति खाता है, यह बड़ी सोचने वाली समस्या है। हर साधक को हल्का भोजन करना चाहिए। आप 5 बार खाएंगे तो भी आपको उतना ही ताकत मिलेगा। यदि आप 2 बार खाएंगे तो भी आपके शरीर को उतना ही ताकत मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ से जितना डालोगे उतना आप निकालते चले जाओगे। इसलिए आप अधिक खाओगे तो अधिक आपकी पाचन तंत्र पर असर पड़ेगा और वह चीज़ें आपको आलस में परिवर्तन करेगा। जो व्यक्ति ज़्यादा खाते हैं उनका आलस बहुत ज़्यादा आता है। बहुत लोगों को देखते हुइएगा कि व्यक्ति खूब खाता है और खूब सोता है, पर आप लोग क्या खूब खाते हैं और खूब सोना चाहते हैं? एक साधक को हल्का खाना खा करके ही रहना चाहिए। यदि आपको 3 बार खाना है तो 3 बार भी हल्का खाना ही खाइए, ऐसा नहीं है भर दिन खाते रहना है। कई लोग है जो साधु है संत है, वह सभी लोग 2 बार खाते हैं। आपको 3 बार खाना है 3 बार खाइए, पर हल्का खाइए। भर पेट खाएंगे तो आपको ज़्यादा ताकत नहीं होगा और हल्का खाएंगे तो आप कोई कमज़ोर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने शरीर को जिस तरह से शुरू से नियंत्रण करेंगे आपका शरीर उसी तरह से कार्य करेगा, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह। आपने देखा होगा कि कोई मोटरसाइकिल
अधिक तेल पी जाता है और कोई मोटरसाइकिल बहुत कम तेल में भी बहुत दूर तक रनिंग करता है। इस प्रकार से हमारा शरीर भी है, इन्हें समझो। बहुत से लोग उधर कमाना है और इधर पेट भरना है, कमाना है खाना है, इसी में लगे रहते हैं, अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते। शरीर को कैसे स्वतंत्र रखे, स्वस्थ रखे, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। केवल बस खाए जाते हैं और सेहत खराब होता है तो डॉक्टर है ना, मेडिसिन है ना, ले लेंगे, खा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। मेडिसिन तो है ही, आपकी सेवा करने के लिए मेडिसिन तो आपको मदद करने के लिए है ही, पर आपका क्या धर्म है कि आप खा खा करके अपना पेट खराब कर लो, खा खा कर अपना इंजन खराब कर लो। इसलिए सभी साधक को, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे जितने भी साधक है, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रहा है, वह सभी लोग खाना खाए पर खाना हिसाब से खाया कीजिए। इतना खाइए कि आपको आलस ना आए, आलस बहुत बड़ा मनुष्य का कमजोरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं खाएंगे तो रात को नींद नहीं आएगा, नींद तो इंसानों की पकड़ से बहुत दूर का चीज है, इंसान उसे लाता नहीं है, अपने आप ही आ जाता है। इंसानों की बस की बात नहीं है कि वह इंसान अपने नींद को कंट्रोल में कर सके, नींद तो अपने आप आना होता है, आ जाते हैं। आप कम खाएंगे तो भी सो जाएंगे और आप ज़्यादा खाएंगे तो भी सो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि आज खाना नहीं खाए हैं तो नींद नहीं आ रहा है, बहुत लोगों का कहना है कि वो भूखे पेट है तो उनको नींद नहीं पड़ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप भूखे पेट सो करके देखो, करीबन आप 15 दिन भूखे पेट रात को सो करके देखो, आपका शरीर का 50% बीमारी खत्म हो जाएगा। आप जितना हल्का खाना खाओगे, आपका शरीर उतना ही संतुष्ट और संतुष्ट रहेगा। इसलिए आप अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हो तो खाने पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि खाए जा रहे हैं, जितना खाएंगे उतना ताकत मिलेगा, नहीं, ताकत उतना ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति कम खाते हैं उनको भी ताकत उतना ही रहता है, और ज़्यादा खाते हुए उनको भी ताकत उतना ही रहता है। खा खा कर पेट निकाल लेने से आपका सेहत नहीं बनता, सेहत बिगड़ जाता है। इस बात पर आप लोग ध्यान करें।